एनआरसी और सीएए के समर्थन में भारत रक्षा मंच के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले भर के हजारों लोग शामिल हुए। 500 मीटर तिरंगा को लेकर कई किलोमीटर तक हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। कोसाबाड़ी चौक से लेकर घंटाघर चौक तक ये यात्रा चली। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इस कार्यक्रम में आए बाबा बालक दास जी ने सभा को संबोधित किया। आइए सुनते हैं उनकी बातों को। यदि हिम्मत है तो साथ दो, हिम्मत है तो हमारे हाथ में हाथ दो, और हाथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया तो एक और मिलेगा, उसके लिए फिर तैयार रहो, उसको मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम सगा मन के अपमान नहीं करेंगे, हम सगा मन के स्वागत करते, हमारे खटिया हम जब फेंकना हो जाते ना, छत्तीसगढ़ी समझ में आते कि भूल भुला गया, खटमल खाट में आ जाओ तो हम कहते कोई बात नहीं है, लो भाई चारा आ जाओ, हम खाट में तुम पार्टी में रहो, पाकिस्तान दे दिया। लेकिन ये तो मौका प्रस्त लोग हैं, टाइम मिला हमारे ही खून चूसना शुरू, हमको झपकी आई नहीं कि चिपक गए, तो फिर मामला गर्म हो जाता है, फिर जेठ की दोपहरी में खाट पटक दिया जाता है और डंडा मार मार के एक एक को निकाला जाता है, अभी एक एक खटमल निकालने का काम किया जा रहा है इस कानून के द्वारा। यहाँ पर आए आप सभी का भी इस देश में जो पारित हुआ है उसका विरोध और समर्थन होना ही नहीं चाहिए, और हमने पहल भी नहीं किया, पूरे देश में जहाँ पर भी इस बिल का विरोध किया गया वहीं पर समर्थन रैली निकाली गई, इसलिए आज के सभा को हम केवल इस देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाने जैसा मानते हैं। हम इस देश के हैं, इस देश के संविधान का कोई तौहीन कर रहा है, इस देश में राष्ट्रपति जिस पर साइन कर देता है उस प्रस्ताव निकल के उसका समर्थन करना पड़ेगा, यानी एक नागरिक का जो दायित्व है वो हम निभाया।